हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में आप सभी को शो करने वाला हूं कि आप यहां पे कंट्रोल सेंटर की न्यू विजिट्स और इसी के साथ लार्ज फोल्डर्स की कुछ एक्स्ट्रा विजिट्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने किसी भी शोमे के डिवाइस में विदाउट एनी रूट। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पोको लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लार्ज फोल्डर्स का ऑफिशियली सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस वाली वीडियो में शो करने वाला हूँ कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपली एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है iOS विजिट्स। तो इस वाली एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इसको सिंपली आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको सिंपली इस तरीके से पिंच आउट करना है और इसके बाद आपको सिंपली विजिट्स के सेक्शन में जाने के बाद एंड्रॉयड विजिट्स में चले जाना है। एंड्रॉयड विजिट्स में चले जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको iOS विजिट्स यहाँ पे आपको डाटा यूसेज और इसी के साथ काउंटडाउन, क्लॉक, क्रोम, टास्क, कैलेंडर, फोल्डर, क्वेड्स, ये सारी आपको ऑफिशियली विजिट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। आपको इसमें लार्ज फोल्डर्स की भी मिलती है, आपको इसमें डाटा यूसेज का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सिंपली फोल्डर्स की विजिट्स को कुछ इस तरीके से अनेबल कर लेना है और इसी के साथ फिर आपको कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी सभी एप्लीकेशंस यहाँ से वो ऑन हो जाएंगी और वो आपके लार्ज फोल्डर्स में अनेबल हो जाएंगी। तो इस वाले मेथड से आप लार्ज फोल्डर्स और अपने डाटा यूसेज को अपनी होम स्क्रीन में अनेबल कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करके जाएं।